नमस्कार, मैं राकेश दिवाकर और इस समय मैं मौजूद हूँ सिकंदरा आपका गुरुद्वारे में मेरा आगमन हुआ है आज। और यहाँ मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा कैमरे को दिखा दें, पूरा हमारे पब्लिक लाइव के जितने भी दर्शक हैं गुरुद्वारे का दर्शन कर सकते हैं। ये गुरुद्वारा है आपका सिकंदरा आगरे का गुरुद्वारा है। आज मेरा यहाँ आगमन हुआ है और सिमरन जी से मैं कुछ पल रूबरू होऊंगा। आप देख सकते हैं गुरुद्वारा, भजन कीर्तन टाइम टू टाइम होते रहते हैं यहाँ पर। आगरे का सिकंदरा में गुरुद्वारा है। श्रीमान सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। दास अजैब सिंह ग्रंथी, गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब, गुरु का ताल, आगरा। सो बड़ी खुशी की बात है कि आज आपने गुरुद्वारा साहिब जी में नतमस्तक गुरु साहिब जी को नमस्कार की है। तो जो भी आता है श्रद्धा भावना से आता है, उसकी इच्छा और भावना पूर्ण होती है। ये वो गुरु का स्थान है जिस गुरु ने हिंदू धर्म की रक्षा करते हुए अपना शीश कुर्बान किया, बलिदान दिया, श्री गुरु तेग बहादुर जी। और मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज हिंद की चादर, जिन्होंने धर्म की रक्षा करते हुए तिलक जंजूर आखा प्रभता का कीनो बड़ो कलू में साका, ऐसे गुरु जी का जो प्रकाश पर्व है, अवतार पर्व है, वो 29 को आ रहा है, 29 जून को। तो मैं सबको बेनती करूंगा, आगरा की समस्त हस्तियों को, समस्त जितने भी हमारे श्रद्धावान हैं गुरु साहिब जी के चरणों में हाजिरी भरने वाले हैं, ये जो बेनती है श्रीमान संत बाबा प्रीतम सिंह जी सेवक जथे की ओर से जा रही है कि 29 तारीख को शाम को इसी गुरुद्वारा साहिब में इसी स्थान पर दीवान सजाए जाएंगे, कथा कीर्तन भजन होगा, और जिसमें विशेष तौर पर श्री दरबार साहिब अमृतसर साहिब से रागी जथा भाई साहब भाई सुखजीत सिंह जी बाबा बकाला दरबार साहिब से ये रागी जथा पहुंच रहा है। और उस दिन हमारे यहाँ के हजूरी रागी जथे कथावाचक ज्ञानी जनों ने भी संगत को कथा द्वारा कीर्तन द्वारा निहाल करना है। मैं संगत को यही अपील करूंगा, यही बेनती करूंगा कि गुरु तेग बहादुर जी जिन्होंने हिंद धर्म को बचाते हुए अपना शीश कुर्बान किया, ऐसे गुरु का स्थान आपके यूपी उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब गुरु का ताल। आपको सबको आकर उस दिन 29 जून को यहाँ पर नमन करने के लिए और हाजिरी भरने के लिए आप आएँ, आपकी हाजिरी लगे, गुरु महाराज आपके परिवारों में खुशियाँ और अपना जो सिमरण है, नामदान है, ये बख्शिश करें। बहुत अच्छा लगा। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, बताया भी आपने कि भारत में मतलब आस्था एक बहुत विकराल रूप में है। अगर आकलन किया जाए तो नास्तिक से ज़्यादा आस्तिक है। हाँ, आस्तिक बहुत है। लेकिन मैं थोड़ा सा और भी एक सवाल जवाब करना चाहूँगा, इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, हमारा जो ये प्रचार प्रसार है, कई बार ऐसे नास्तिक लोग भी है, जब वो अच्छी कथा विचार, अच्छा कहते हैं ना, पेड़ को पानी ना मिले वो भी सूख जाता है, ऐसे नास्तिक लोगों को जब उस परमात्मा उस वाहिगुरु की कथा विचार सुनने को मिलेगी, उनका मन भी जरूर बदल जाएगा। अच्छा, और अभी सब थोड़ा सा मैं सवाल जवाब करना चाहूँगा। अब इस समय चुनावी माहौल है, पूरे भारत में बिगुल बज चुका है और चुनावी तो बिल्कुल सर गर्मी में भी सब लोगों को चुनाव डालने जाना चाहिए, वोट डालने जाना चाहिए। और 7 मई को आपका आगरे में भी होने वाला है, तो आप क्या चाहोगे, आप क्या कहना चाहते हो चुनाव के विषय के बारे में? हम तो चाहेंगे कि देखो जी, क्योंकि जो पब्लिक होती है उसको जो अच्छा लगता है वो उसको ही वोट डालता है, तो हम किसी के लिए खास करके बेनती नहीं करेंगे कि आप उसको ही वोट डालो, क्योंकि जिस जिसकी भी जहाँ को जो भी प्रत्यक्ष अच्छा लग रहा है, जिसको भी आपने जिताना है, आप उसको वोट डालना हमारा
जो भारत की संस्कृति में ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ हमारा अधिकार तभी है जब हम वोट डालेंगे। जब हम सरकार से काम लेते हैं तो हम सरकार को वोट भी तो डालें ना। जिसको भी अच्छा लगता है आप उसको वोट डालिए। हमारे भारत की, हमारी संस्कृति की जो शांति हमेशा के लिए बनी रहे। बहुत अच्छा संदेश दिया सीमा जी ने कि वोट डालने का अधिकार सभी को, और भारत की संस्कृति भी कहती है कि वोट सभी को डालना चाहिए। और मैं राकेश दिवाकर पब्लिक लैब से